लिमरेड हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फर्जीवाड़े का एक और कारनामा सामने आया है, जहां पे देखा गया है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो आरोपी को अरेस्ट किया है और उन्होंने बहुत एक्सपर्ट लेवल का एक क्राइम किया है जो अभी लॉकडाउन में काफ़ी फायदेमंद था उन लोग के लिए, लेकिन साथ ही साथ में पुलिस ने उनको अरेस्ट भी कर लिया है। ये लोग बनाते थे ट्रैवल ई पासेस, जो ट्रैवल ई पासेस के लिए हमको ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिर अप्लाई होता था, उसके बाद में फिर हमारे हाथ में मिलता था, लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता था। लेकिन ये लोग ने ई पास का ही कारोबार स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे ई पास को बोगस डॉक्यूमेंट से लोग बना के देते थे। और ये जो टोटल ई पास के जो चार्जेस है, ये 5,000 रुपया ई पास के चार्जेस लेते थे और 1,000 रुपया जो डॉक्टर सर्टिफिकेट होता है COVID-19 के, जो नेगेटिव पॉजिटिव के जो सर्टिफिकेट्स होता है, वो सर्टिफिकेट्स का 1,000 रुपीज़ चार्ज करते थे। और ये लोग ने करीब 100 लोग से ये पैसा लिया, मतलब सबको ई पास बना के देने की बात करके सबसे 100 लोग से पैसा लिया और कुछ लोग को सर्टिफिकेट, सॉरी कुछ लोग को ई पासेस दिया भी। तो ये लोग हैं, इनका नाम बताया गया है कि रविंद्र दिगे, 39 एज, थाने के रहने वाले, और नामदेव दिगे, 25 उम्र, ये भी थाने के रहने वाले, ये दोनों कजिन ब्रदर्स हैं। और रविंद्र जो है वो एक शॉप में काम करता था मलाबार हिल में, और लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी नौकरी खो दी, फिर उसने ई पासेस किए, फर्जीवाड़ा का कारोबार स्टार्ट किया। जो भी सिटीजन आते थे, जो भी नॉर्मल पब्लिक आती थी, तो पब्लिक को ये बोलता था कि ई पासेस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से, लोकल पुलिस से मिल जाएगा, ऐसा बोल के वो ले लेता था। और इनको अरेस्ट करने में DCP अकबर पठान का हाथ था। और ये ऑफिशियली, मतलब ये लोग क्या करते थे कि, मतलब ये लोग जब इन लोग को ट्रैप किया था, तो ट्रैप करने का प्लानिंग ये था कि कोई बंदे को इन लोग ने पुलिस को ही इन लोग ने पब्लिक बना के उसको भेज दिया और वहाँ पे उसको एडवांस के तौर पे 1,000 रुपया दे दिया। फिर उसके बाद में जब वो ई पास लेके आया, दो घंटे में मिल जाता था, 2 घंटे में ई पास लेके आया, उसके बाद में उसको रंगे हाथ अरेस्ट कर लिया। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 5,000 रुपये लोग चार्ज करते थे और 1,000 रुपया डॉक्टर सर्टिफिकेट का चार्ज करते थे, मतलब टोटल 6,000 रुपये चार्ज करते थे। ये लोग को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है और लोग के नाम पे FIR हुआ है चीटिंग और फॉर्जरी के तहत। और ये लोग को पुलिस ये लोग को 9 जुलाई तक का हिरासत में रखेगी। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया।